तो आज हम सीखेंगे एम एक्सप्लेयर में कैसे सेटिंग करते हैं नई नई, जिससे आपका एम एक्सप्लेयर खूबसूरत और कस्टमाइज लगे। तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं, तो मैं आपको बारी बारी से सिखा दूंगा कि कौन से फीचरों की सेटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहला है आपका बैकग्राउंड। ये जो आप वाइट कलर देख रहे हैं, ये वाइट, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा थ्री डॉट में। थ्री डॉट में जाने के बाद आप जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जो पहला ऑप्शन है लिस्ट, लिस्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है थीम, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये देखो बहुत सारी थीम है, आपको जो भी पसंद है वो लगा सकते हो। फिलहाल मैं ये लगाने वाला हूँ और देखते हैं हमारा कलर चेंज हुआ या नहीं बैकग्राउंड का। और ये देखिए पूरा का पूरा चेंज हो गया, कस्टमाइज हो गया। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी, उसमें बहुत सारे कलर हैं, सब कोई सा भी लगा लीजिए। तो हम चलते हैं दूसरी सेटिंग के लिए। तो दूसरी सेटिंग हमारी ये है कि जैसे अब हमारी वीडियो है ये चल रही है, अभी से हमें बैकग्राउंड में चलाना है, यानी कि कोई आपको सॉन्ग है वो आप चलाना चाहते हो बिना वीडियो देखे, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। ये जो पहले इस वीडियो को, कोई सी भी वीडियो हो, उसे पुश करना है। पुश करने के बाद उसे जोर से प्रेस कर दिया, मतलब दबाए रखें। दबाने के बाद आपका होगा ये कि जैसे ये दबा कर रखा हो, जब ये आ जाए तो इसे कट कर दीजिए। मतलब कट करने के बाद आप देखिए ये बैकग्राउंड में चल रही है, सेकंड देख लीजिए चल रही है नहीं चल रही है। ये सब पुश भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक कीजिए वापस आ जाइए। ये हो गया हमारी दो सेटिंग। और हमारी तीसरी सेटिंग है, तो हमारा तीसरा फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहिए ध्यान से देखेगा। अगर आपकी कोई फिल्म है या वीडियो है या कोई ऑडियो है, आप अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं चाहते हो, आप उसे छुपाना चाहते हो बिना एप्लीकेशन के, तो हमें एम एक्स प्लेयर द्वारा हो सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जो वीडियो आपको हाइड करनी है, हाइड उस पर क्लिक कीजिए। तो ये यहाँ पेंसिल का निशान है, आप इस पर क्लिक कीजिए। करना कुछ नहीं है, कहीं भी टैप कर दीजिए और इसे यहाँ ले करके जाइए, और इसके आगे सिंपल सा एक डॉट लगा दीजिए। डॉट लगाने के बाद इस पर ओके कर दीजिए और फिर ये हाइड हो जाएगी। ये हाइड हो जाएगी। अब आपको, आपने हाइड तो कर दिया लेकिन इसे वापस लेकर के आना है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो लिस्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो लिखा सो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, सो हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टार्टिंग विद डॉट, तो आप इस पर सिंपल सा क्लिक कीजिए और ये रिफ्रेश कर लीजिए एक बार मीडिया को, और फिर आपकी जो वीडियो हमने हाइड की थी वो आ जाएगी। ये देखिए ये आ गई, ये डॉट आ गए हैं, और हमारे हो गए तीन फीचर कंप्लीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस एम एक्स प्लेयर का। तो अब हम पढ़ते हैं चौथे फीचर की ओर। तो हमारा एम एस प्लेयर का चौथा फीचर यह है कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा चौथा फीचर शुरू होता है। तो हम चौथा फीचर में अपनी स्क्रीन को लॉक लगाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें एनिमेशन निकलेंगे। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे थ्री डॉट पर। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे कंट्रोल में। कंट्रोल में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी लॉक, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और किड्स लॉक लगा दीजिए। किड्स लॉक लगाने के बाद आप बैक आ जाइए। अब यहाँ पर आप लॉक लगा दीजिए। अब लॉक लगाने के बाद देखिए तो यहाँ पर ये जो किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट पर, इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर बैक जाइए और अपनी स्क्रीन को लॉक लगा दीजिए। यहाँ सिंपल सा लॉक लगा दिया। अब देखिए ये एनिमेशन आएंगे, इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपके जितने बच्चे होंगे उनको दे देंगे। ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये पकड़ कर रखो, ये इससे खेलते रहते हो। हमारे हो गए, अब इसे हमने लॉक तो लगा दिया, अब अनलॉक कैसे करें? अनलॉक करने का सिंपल तरीका है, ये जो चार कोने हैं, एक दो तीन, तो ये ऐसा अनलॉक हो जाएगा। लॉक लगाया, एक दो तीन चार, ये अनलॉक हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने पांचवें फीचर की ओर। तो पांचवा फीचर ये है, अब हमारी वीडियो चल रही है, हम इसे दो बार क्लिक करेंगे तो ये पुश हो जाएगी, लेकिन अब नहीं हो रही है, तो इस कैसे करें? तो इसकी सेटिंग करने के बाद, करने के लिए आपको जाना पड़ेगा थ्री डॉट। थ्री डॉट में जाने के बाद जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले जाने के बाद जाएंगे सेटिंग में,
और सेटिंग में जाने के बाद ये लिखा है डबल टैप टू प्ले पॉज, तो आप जूम भी कर सकते हैं। डबल टैप करने से जूम हो जाएगा आपका मोबाइल और जूम आउट भी हो जाएगा। तो हम इस पर फिलहाल डबल टैप टू ये कर देते हैं, इस पर क्लिक किया और ये वापस आए तो हमारी वीडियो देखो, ये पुश है, डबल टैप करेंगे प्ले हो गई, डबल टैप करेंगे पुश हो गई। ये भी कुछ काफ़ी अच्छा फीचर है। वहाँ बढ़ते हैं अपने छठे फीचर की ओर। छठा फीचर ये है कि हमारे जो ये स्क्रीन है, ये पुश प्ले वाली और ये ऊपर एच डब्ल्यू वाली, हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये जो ये ब्लू लाइन है और ये येलो लाइन है और ये भी ब्लू लाइन है, हम इसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं? तो कस्टमाइज़ करने के लिए जाएंगे, सिंपल सा है, थ्री डॉट पर जाइए और फिर जाएंगे डिस्प्ले पे, डिस्प्ले से जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग से कंट्रोल पे नहीं, इस पे जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद ये प्रेसेट डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट पे जाने के बाद आप इन्वर्स कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा चेंज हो गया है। और हमारा येलो कलर को हम इसे कोई सा भी कलर कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कर लिया, ये अपना रेड हो गया और डन कर लिया। और आप बॉर्डर चाहते हो तो बॉर्डर भी आ जाएगा। और इस पे प्रोग्रेस बार को जो ये स्क्रीन है जिससे ये येलो है, आप इसे मटेरियल कर दीजिए, तो इससे हो गया पूरा हमारा कस्टमाइज हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कलर हैं, आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं, ये सब चेंज हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए, तो आप सिंपल सा बैक जाइए और देखिए ये हमारी ये भी चेंज हो गई। और ये देखिए ये कलर भी और ये, तो और सेटिंग करने के लिए तो यहाँ पर फ्रेम बोर्ड भर लीजिए, फ्रेम बोर्ड ये कर लीजिए डन। और कंट्रोल को भी कस्टमाइज़ कर लीजिए और ये हमने कर लिया है चेंज। तो हम चलते हैं बैक और ये देखिए सब चेंज हो गया अपना। तो इससे भी काफ़ी अच्छा लगता है अपना फ़ोन। तो आप बहुत सारी सेटिंग उसमें खुद कर लीजिएगा थोड़ी थोड़ी, तो इसमें पूरा तो बताने से वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा बताऊँगा तो आप कर लीजिएगा, वहीं से हो जाएगा। तो हमारे छह फीचर हो गए, अब चलते हैं सातवें फीचर की ओर। तो हमारा सातवां फीचर ये है कि हमारी जो वॉल्यूम है हम उसको कैसे इंक्रीज़ करें, यानी कि आपकी 30 है तो 60 हो जाएगी और 15 है तो वो हो जाएगी 30। तो देखिए अब हमारी कितनी है, ये 15 है, तो अब इसे हम बढ़ाएंगे कैसे? तो बढ़ाने के लिए जाएंगे थ्री डॉट में, थ्री डॉट में जाने के बाद जाएंगे, रुक जाओ बैक कर लीजिए, यहाँ पे जाएंगे थ्री डॉट, फिर जाएंगे सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे डिकोडर, डिकोडर पर जाने के बाद जो ही ऊपर वाला यूज़ SW+ डिकोडर, तो यहाँ पर ये सब अनेबल हो जाएंगे, बाकी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो अब देखिए अब हमारी देखें वो वॉल्यूम बढ़े कि नहीं, तो वीडियो प्ले कर लेते हैं। तो देखते हैं 30 है अभी भी, तो 30 करने के बाद आप यूज़ कीजिए ये जो SW है, यहाँ पर आपका पहले SW और SW डिकोडर आता था, आप H+ पे कर दीजिए, आपकी वॉल्यूम ये देखिए 30 तक हो जाएगी। और ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, किसी की मूवी की आवाज़ कम आ रही हो तो इससे आप बढ़ा सकते हो। तो मैंने आपको MX Player की ऐसी ऐसी सेटिंग बताए हैं, जो 7 सेटिंग बताएं तो काफ़ी जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। आप अपने पूरे MX Player को पूरा चेंज कर सकते हैं, जो आपके दोस्त देखेंगे तो वो भी सोचेंगे यार कैसे इन्हें सेटिंग की। तो अपने दोस्तों को चौंकाइए, घर वाले को चौंकाइए सेटिंग करके। तो प्लीज़ यार आप लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो पे कम से कम मुझे 50 लाइक चाहिए, प्लीज़ 50 लाइक तो कर ही सकते हो, आपको सिर्फ लाइक ही तो दबाना है। और प्लीज़ और मेरे चैनल पे एडिटिंग की वीडियो हैं, आप वहाँ जाकर एडिटिंग की प्लेलिस्ट में एडिटिंग की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं हफ्ते में 2 या 1